हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो नूडल्स मेरे हाथ में देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार नूडल्स। ये मैंने एक पैकेट मामा नूडल्स का लिया है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, हल्का सा तेल या घी डाल के, ताकि वो स्मूथ रहें, साथ चिपके नहीं, और इस तरह से हम इनको रख देंगे। ये मैंने कटिंग नहीं करी है, थोड़े से वेट हो जाएंगे। तो मैंने जो सब्जियां काटने वाली सीज़र वगैरह रखी हुई है उसके साथ मैं काट दूंगी। ये अब मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन। इसमें मैं 2 टेबलस्पून्स डालूंगी घी के। आप कोई भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल ले सकते हो, आप जो भी यूज़ कर सकते हो, आप ऑयल भी ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। तो अब मैंने लंबी लंबी एक तरफ काट ली है प्याज और शिमला मिर्च। अब तेल हो चुका है मेरा गरम, अब मैंने इसमें लंबी कटी हुई प्याज को डाल दिया है। इसको हम हल्का सा वाइट सा, जब ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो तब तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, आप कोई सी भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, हम इसमें वो ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि जिंजर और गार्लिक है जो, वो चाइनीज़ जो डिशेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे प्याज अच्छे से भुन रहे हैं। तो बाय दैट टाइम हमने उधर शिमला मिर्च वगैरह भी काट ली है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब ये देखिए हम कर रहे हैं लिटिल बिट टॉसिंग, अनियन को टॉस कर लेते हैं। थोड़े से मास्टर शेफ़ वाली एक्टिंग हमें करने में क्या जाता है, तो हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। जिंजर गार्लिक को हम अच्छे से भून लेंगे। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने शिमला मिर्च काटी हुई है, बट अभी ये रोस्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दी अब इसमें शिमला मिर्च, ये भी मैंने लंबी लंबी काटी हुई है बारीक बारीक। ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल है, मशरूम्स हैं, पत्ता गोभी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको अब हम भून लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी अभी भुन चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि जब हम नूडल्स बॉईल कर रहे थे तब भी हमने नमक ऐड करा था। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला डाल दिया है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे। हिला लिया है मैंने, और अब मैं विनेगर का 1 टेबल स्पून जो विनेगर है उसका डाल दूँगी, क्योंकि विनेगर है जो, वो इसका जो नूडल्स होती हैं उसका कच्चा सा फ्लेवर इससे ख़त्म हो जाता है। ये मैंने इसमें डाला सोया सॉस का 1 स्पून, आप ध्यान से सोया सॉस ऐड करिएगा। ये मैंने स्पून, ये मैंने लगभग 1 कड़छी जो नॉर्मल सॉस होती है टमाटो सॉस, वो डाल दी है। आप चाहो तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हो इसमें, आप कोई भी ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन सी सॉसेजेस वगैरह घर पे यूज़ करते हो। तो मैंने 1 कड़छी, अभी भी मैं इसमें सॉस वगैरह एडजस्ट करके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करते रह सकते हैं। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हम वेट कर रहे हैं नूडल्स के उबलने की। तो जैसे ही हमारी नूडल्स उबल जाएंगी हम उनको छान लेंगे और ठंडे पानी में से मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ये देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूँगी ताकि नूडल्स हैं जो गर्म कढ़ाई में नीचे ना चिपक जाएँ। तो नूडल्स बॉईल करके जब आप ठंडे पानी में से निकाल लेते हो ना, अच्छे से उसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए हमारी नूडल्स जा रही है कढ़ाई में। ये मैंने 1 पैकेट मामा नूडल्स का लिया था। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा करेंगे हम टॉस, हिला देंगे इसको अच्छे से, और सारा जो हमारा मसाला, देखिए इंस्टेंट सा वे है, बहुत क्विक वे है, दोनों साइड से हमारा काम हो गया। हमने ये डाली इसमें भी, और मैं इसमें से भी, बर्तन में से भी निकाल लेती हूँ क्योंकि मसाला क्यों ख़राब करना। तो ये देखिए अब मैं 1 कड़छी और लेके इसको अच्छे से चला लूँगी। नूडल्स हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत यम्मी बनती हैं, यकीन मानिए। हम कहीं ठेले या मार्केट से लेके खाते हैं। देखिए सॉस मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सॉस और ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस थोड़ी सी लग रहा है मुझे कि कम है, तो सोया सॉस मैंने ऐड कर दी है। कलर अच्छा आता है इससे,
और ध्यान रखिएगा बस जो सॉसेजेस होती हैं उनमें नमक पहले ही बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने अब ये डाला थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला इसके फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। तो ये देखिए अब इनको अच्छे से हिलाया और टॉस कर लेना अच्छे से, अगर आप अच्छा टॉस कर सकते हैं तो। ये लीजिए सर्व है खाने के लिए नूडल्स, इन्जॉय करिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yeah.